हरि ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। सच्चिदानंद भगवान की ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तेन भुंजीथा मा गुरुध कस्य सीधनम्। ईशावास्य उपनिषदर प्रथम मंत्र ए मंत्रर तात्पर्य हला ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंच जगत्यां जगत् ए संसार भितरे आमे जहाँ देखुचे जहाँ दृष्टिगोचर होउचि एवं जहाँ दृष्टि अंतराल रे अछि ये समस्तर मालिक होउचन्ति भगवान। ए कथा को चिंता करी ए जीवन दर्शन को लक्ष्य करी जो माने जीवन जापन करती से माने आनंद पाती। ए जीवन दर्शन को जो माने भूली जाती जहाँ देखा जाऊँ आखिरे से सब मोर जहाँ मो पाखे अच्छे सब मोर ए ब्रह्मांड में जहाँ अच्छे सब मोर एक जी चिंता करती से माने दुख पाती। श्रीमद भागवतर गोटे दृष्टांत आपण मानक आगे मुझे प्रकाश करी धन संचये जार आस निरते पाए दुख प्रास से धने मृत्यु उपगत न जाने अज्ञानी पंडित। धन संचय कले दुख आरंभ होला जो दिन ठारु धन संचय करिया पई प्रयास करागला आरंभ करागला से दिन ठारु जीवन रो दुख आरंभ होला। धन संचय जारास निरते पाए दुख प्रास सुखता जीवन रे नाही। गोटे लौकिक दृष्टांत आपण मान कागरे मु प्रकाश करी ए लौकिक दृष्टांत रु आमे माने बुझी पारिबा धन संचय रो दुख किमिति जात होउछि। गोटे धनीशाली लोक थिले अत्यंत कृपण सेठ महाराज बहु धन संचय करी निजे संचय करी रखिले कहा को दियंती नाही पत्नी पुत्र निजर कौन से आवश्यकता पाई धन संचय करती ना केवल धन व्यय करती ना केवल संचय करिया मनोवृत्ति। दुख आरंभ है समस्ते विभिन्न प्रकार कटु समालोचना कले तथापि तर दुख ना किंतु ये धन जाक हूँ भगवान करो। भगवान को मनरे थे चिंता आसला आहा देलावाला मु ये मोर बोली कहीकि भिड़िकी धरला नाई ठीक सद्ज्ञान प्रदान करवा या विचार करी दिनकर घटना स्वयं भगवान गोटे साधु बेसरे मर्त्यपुर को आसिले गॉड मैनिफेस्टेस इन डिफरेंट फॉर्म्स। भगवान मर्त्यपुर को आसला बेले शंख चक्र गदापद धारण करी केबे आसंती नाही विभिन्न छद्म रूप से आसंती। आज भगवान गोटे साधु रूप से आसिक मर्त्यपुर पहुँचिले गंगा नदी में स्नान करुछंती सेठ महाराज जनक स्नानरत अवस्था पाखरे ठिया हेले साधु महाराज जनक स्वयं भगवान एवं हाथ जोड़ी प्रार्थना करी राम राम बोली उच्चारण कले। कहिबार तात्पर्य मु राम राम कहुचे तम ठारु राम राम मुझे श्रवण करी किंतु सेठ महाराज विचार कले कुआडु राति पाई घड़िए बेल हो ये साधु जनक आसिक राम राम बोली मो आगे कहले मुदी या राम राम कह से निश्चित मो हाथ मो आड़ हाथ पातिबे मु तो किसी दबा लोक नुह मु तो केवे क्या देनी या तो मत किसी देवीनी तेणु राम राम कहीं कह या कही मुहटा को बोलेक रे भगवान आउ टे घुंचीगले मुह पट को टे चाहक साधु रूप से कहले राम राम। सेठ महाराज विचार कले कले ना ये सामान्य छाड़ा साधु नुह तेणु या ठकियापी पड़वा विचार कर पा भितर बुड़ पड़े कि समय आखि कान बंद कर निश्वास बंद कर पा भितर रे विचार कले साधु एथर पलई जाइए थे परा उठिकी चाहिए बेलू पुनर्बार से ही साधु राम राम बोले उच्चारण करागिगले सेठ जनक कहे बाबाजी से कथा से कथा से कथा मत तीन थर तुम कही सारे बर्तमान यठू जीवना तुमको कादु फिंगी या बोली कादु मेचे जमी धरले भगवान हाथ जोड़े कहे बाबा तुम्हें भलि था मुझे सद्ज्ञान प्रदान करने आसते तुंडुर टे राम नाम कि कृष्ण नाम बाहरी किसी सद्ज्ञान प्रदान करते
किंतु तथापि से सेठ जनक कहिले नाही, भगवान टिके दूरेई गले। किछि दूर गला परे गोटे माया रचना कले, निजे सेठ रूप धारण करि ता घरे प्रवेश कले। सेठंकर धर्मपत्नी घर भितरे अछंती, जेतेबेले सेठ रूप धरी भगवान तांको घरे प्रवेश कले, तांकर धर्मपत्नी पचारले, स्वामी आपण तो स्नान करिया पई गले 2 घंटा रु अधिक समय गंगा नदी रे स्नान करंती, आजि कोन एते जल्दी पळि आसिले? छद्म बेसी भगवान सेठ रूप रे अछंती, कहिले हेटी सुन मन रख, मु गंगा नदी रे स्नान करि गला आळुको मोरी भळिया जणे लोक गाधौची, मु जिमिति गामछा पिंची तार सेमिति गामछा, मु जिमिति ढाळ धरिची तार सेमिति ढाळ, मो रूप आखि नाक कान जिमिति, मो स्वर जिमिति तार सबु सेमिति। एतक देखिला परे मो मन रे संदेह आसिला, काळे मो घर को पळि आसिबो कि? सी यदि मो घर को आग पळि आसे आ मते घर स्थान नाही, सेइथि पई डरी मु आग को पळि आसिले, जल्दी पळि आसिले, मात्र मते बुली बुली करी चाहुथलाटी देखिक सावधान, जदि घर को आसब सावधान हो रह। या कही ठाकुर सेठ बेश धारण कर पशिगले ठाकुर मंदिर भितर, ठाकुर पूजा करुँचंती। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं, एभली भाव में कही फूल चंदन तुलसी अर्पण करुँचंती भगवान को। ए समय प्रकृत सेठ आसिक पहुँचले, जमीन प्रकृत सेठ द्वार मुहरे आसिक पहुँचले, धर्मपत्नी तो शुणी स्वामी छद्म भेसी भगवान ठारू जे मत बुली बुली चाहूला काले मोहर को आसब बोली, जमी प्रकृत सेठ को देखीदे धर्मपत्नी, सी विचार कले घरे जी अच्छा ये मोर प्रकृत स्वामी, ये जी आश्चित भाव ये गोटे छद्म भेसी। या विचार कर चित्कार कले पा, तीन टा पिला चित्कार कले पाने किए कौटे अच्छ धाई आस, गोटे बदमाश किए आम घर को पशी आसूसी बापा रूप धारण कर। पिला दौड़ी पलि आसिले, कौन है माँ कौन है ना, देख ये बापा बसिक ठाकुर पूजा करोटे किए से घर को आस बापा भाया देखा जा। पाने आसिले कहले बाबू तुम्हें किए, तुम्हें कहीं आम घर भितर प्रवेश कर? बुढ़ा कहले कहले मुरा तुम बापा ना, तुम्हें कि बापा आम बापा तो घर अच्छा। पत्नी कहले तुम्हें किए मोर स्वामी, मो स्वामी तो मो घर अच्छा। बार बार कहीकि जितेबले चित्कार कर पिटा को आरंभ कले, प्रकृत सेठ विचार कले कहले कौन है कि किमिया किए कला सका ये बाबाजी मुह चाहली, कौन एमती है मो घरे किए गोटे पशि ये घर स्वामी ये घर बापा बोली मत मैने पिटापी आरंभ कले, चित्कार कले आरे गाँव में भाई मैंने किए कौटी अच्छ मत रक्षा कर, पाने मत बाड़ दाण मझे पाने बाड़ साई पड़सा लोक मैंने पलि आसिले, आसिक पाखे पहुँचे कहले ये कौन 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 है यार कलीजुग, ये कलीजुग बापा माँ प्रति अशेष सम्मान दवा कथा, तुम्हें मैंने कौन बापा बाड़ ना, ये आमर प्रकृत बापा नुह, आम बापा अच्छा घर भितर, यहाँ गोटे छद्म बेसी या पीट बोली कह लोक मैंने आसिक देखला बेलू प्रकृत में बुढ़ा बसिक ठाकुर पूजा करुँच भगवान सेठ रूप से अच्छा। समस्ते मिसले किए टेका फिंगला किए पिटा को आरंभ कला, कौटे छद्म बेसी कड़े आसी मार मार कहीकि मारे गोड़े। प्रकृत सेठ मन मैंने विचार कले जदि ये अधिक समय रही निश्चित भाव मोर प्राण नहीं जीवे। एतक विचार कर गुहारी करने राजा निकट में पहुँचले सका सका, राजा पाखे पहुँची गुहारी कले महाराजा मोर टे दुख शुणतु, किए से गोटे मो घरे पशिची मो रूप धारण कर मत मो पा मैंने गाँव बाला बाड़े काढ़ीदे देखते कमी पीठी ओ फल। राजा कहले कि चिंता करना, मुतमान सैन्य सामंत पठे डाकी आणुचे धरी आणुचे निश्चित भाव दंड दवा बस। सैनिक मानक राजा पठेले, सैनिक मैंने जो घरे आसिक पहुँचिक देखिले ठीक सेठ घरे अच्छा, कहले महाराज आपण ये राजा पाक जाइले का ना तो मुझे ना, तो कौन घटना आपण किए जड़े राजा पाखे जा गुहारी करा घरे किए गोटे अच्छी ना, ओहो से बदमाश लोकटा जा राजा पाक हौ चल चल मुझे चल। सैनिक मान फेरदे भगवान सेठंकर रूप धारण करते तो घोड़े बस आस पहुँचले राजा पाखे। राजा आश्चर्य हेले कले कि कथा प्रकृत सेठ ये दिज भितर किए जड़े गामुछा पिंधिक ढालटे धरी सेठ रूप से बस माड़ खाइक आउ जड़े जमा जोड़ हो ठीक तांकरी रूप से आसिक पहुँची उभय कहते आम हूँ से घर मालिक। यार किमिति विचार करवा मंत्री की पचारे कले मंत्री महोदय यार कौन विचार कर? मंत्री कहले आज्ञा सत कथा बड़ अलौकिक कथा, एमतीका भगवान दरबार में कहीं ना गोटे माया पेटर जाँला छुआ जन्म होते
किछि ना किछि भिन्नता थाए, किंतु ये तो जाला छुआ नुहंती, ये किए सीए किए यांक भीतर तो बहु भिन्नता अछि, किंतु एका भलिया रूप हेला किमिति। मंत्री मध्य बड़ अड़ुआ पड़िले। किछि समय पर मंत्री विचार कले कले आज्ञा कौन सी गोटे गुप्त कथा पचारिबा, जो गुप्त कथाटा जी ठीक भावे कहीदार सी हूँ उपयुक्त सेठ। डाकिले सेठंकर धर्मपत्नी की कहले, माँ तुम इमित कि गुप्त कथा जाच जहाँ बाहर कहीं जाणी नहांती, सेमती गुप्त कथा टे कह, जो कथाटा को लेकर आम उपयुक्त सेठ को बाछबू। एतक कहबारे लज्जाशील भाव सेठंकर धर्मपत्नी कहले, हे मंत्री महोदय गोटे लाजर कथा कहना, कौन ना मो स्वामी पछपटे पिठीर तलू को गोटे कला जाइटे बड़ कला प्याज अच्छी, यहाँ लुगापटा पिंधिले जना पड़े, लुगापटा काढ़ला परे जना पड़े पछपटर पिठी तलू को अंटा तलू को गोटे कला प्याज अच्छी, ये दिजना के भितर जा पिठी पटे कला प्याज अच्छी सी मो स्वामी। राजा कहले, ठीक कथा, ताले दिजना को परीक्षा कर। मंत्री को पठेले, कहले मंत्री तुम दी जन जाक परीक्षा कर। मंत्री उभय को अधा उलग्न करके परीक्षा कला बेलू को भगवान तो तार रूप धारण कर, उभयंकर पिठी तल को लुगा भितर गोटे गोटे बड़ कला प्याच अच्छे उभय भितर। मंत्री कहले, महाराज ये उभयंकर दीटा कला प्याच अच्छी। राजा बड़ अड़ुआ पड़गले, कहले कौन करवा आउ कौन कले जापर, या विचार कर। विचार कले बुढ़ी की पचारे, पत्नी की पचारे, कहे माँ आउ कौन गुप्त कथा अच्छी तुम कहीपर, यटा तो उभय देहर कला प्याच दीटा अच्छी ठीक जगार, एका रूप एका रंग एका प्रकार कला प्याच, आम ठीक किए भूल किए असली किए नकली किए ये तो बुझीपारू। बहु चिंता कलापर सेठंकर धर्मपत्नी कहे, महाराज आउ गोटे कथा कह ना, कौन कह ना, आम बुढ़ा बड़ कृपण टंका पैसा कारबार करती, क्या कते पैसा दिंती केते पैसा कलंतर दिंती, से कथा आम किए जाणीमार बाट ना, कारण सी लुचे लिखती टंका पैसा दिंती फेरस्त नियंती, केते पैसा देले केते पैसा नेले क्या दे कौन कले से सब लेखिक रखती, बुढ़ा कभी तो कहीं जाणी ना। राजा कहले, ठीक कथा, गोटे भल कथे तुम कह, गोटे रिटिन डॉक्यूमेंट आमप आनीदार जोटारे बुढ़ा जहाँ लिखिंट जो जीए कहीदार सी हूँ असली लोक। एतक शुणला धर्मपत्नी पुह को पठेक गोटे दि चार वर्ष तलर गोटे टीपा खाता नहीं पहुँचे, कहले महाराज यहाँ दि तीन वर्ष तलर टीपा खाता, यही कौन कौन लिखाई पचारतु, यहाँ जीए ठीक कहींपर सी हूँ मो स्वामी। राजा मंत्री को बढ़े, कहले मंत्री परीक्षा कर, ये खातार कौन लिखाई, एटा को जी कहींपर सी हूँ असली सेठ, जी न कहींपर से नकली ताको फासी गुंडे चढ़ेद। मंत्री प्रथम दीज जाक पचारे, कहे बाबा तुम भितर असली किए, सांगे सांगे जी असली सेठ, सी कहे आज्ञा मु असली, भगवान तो सेठ रूप अच्छे हसिले, कहे अच्छा अच्छा ठीक अच्छे पचार। भगवान कहले पचार, सी जो असली कहूँ पचार। मंत्री खाता टी धरले, कहले बाबा ये हूँ दुई वर्ष तलर तुम टीपा खाता, निज हाथ में तुम सब लिखिच ना, हाँ आज्ञा लिखी ना, कौन लिखाई कौन कौन लिखिच, प्रथम पृष्ठार अमक लोकर ना लिखाई केत टा दे ना, आज्ञा मोर कहीं मन पड़ूनी, दि वर्ष तलर कथा मन पड़ सका कौन तरकारी खाई राति की पचारे मन पड़ूनी, दांड द्वारे केतुटा पहाच सबुदिन चढ़ी दस थर ओल्लौचे केतुटा पहाच अच्छी कहले मन पड़ूनी, आउ दि वर्ष तले खातार कौन लिखी थी आज्ञा युवाक के मन रोर कहीं मन पड़ूनी, अल्प दिन तलर खाता आनी हे तो मुझे देखी किपारि था, दि वर्ष तलर कथा कि मोर मन ना आज्ञा। राजा कहले टे विचार कर, तुम तो असली बोली दाबी करुच, टिके विचार कर ना आज्ञा कि तो मोर मन पड़ूनी, आउ ना अच्छा ठीक अच्छे तुम्हें बस। भगवान को पचारे, भगवान तो सेठ रूप अच्छा पचारे, कहे तुम्हें तो असली बोली तुम निजे दाबी करुन, लोक कहते तुम्हें असली बोली, अच्छा कहले देखि कौन लिखाई, स्वयं भगवान अंतर्जामीनाथ त्रिकालदर्शी सब देखा जा, गोटी गोटी करी कही ने प्रथम पृष्ठार या लिखाई, द्वितीय पृष्ठार या लिखाई, तृतीय पृष्ठार या लिखाई, से 365 जाक पृष्ठार जहाँ लिखाई से डायरी में गोटी गोटी करी प्रांजल भाव में भगवान बुझेदे।
राजा टिके असले कले एटा को बांध ए बदमाशटा गोटे छदम बेसी कुआडे आसिक ता घरे पशिकरी तार संपत्ति नापी गोटे योजना करी एटा को फासी खुंटे बसई दि। भगवान हाथ जोड़े, भगवान कौतुक करू करू प्राण पलैब चिंता कले कले हे महाराजा पेट विकल एमती केत प्रकार लोक एमती केते छदम बेसरे आसती क्षमा करूँ मु तो क्षमा करदे मो घर सी कौन टेबा कर आउ केत आसे एमती माड़ खाइब आपण किसी उत्तम मध्यम दे विदाय कर दिंतु आउ फासी कुंठे बसात। राजा कहले ठीक अच्छे तुम्हें जी कौच ताकू छाड़ियापे मु कहीं दंड देवी दि बाड़ेक विदाय कर बोली सैनिक मानक कहले निस्तु को माड़ दे सैनिक मैंने विदाय करदे। मने मने चिंता कले प्रकृत सेठ आज राति पाई से सन्यासी मुह चाहली से राम राम कहते पटर राम राम बाहर लानी मो संपत्ति गला मोर पुओ गला मोर स्त्री गला मोर घर गला वर्तमान प्राणहत्या करदेवी या विचार कर जो गंगा नदी में स्नान करुले से गंगा नदी में आत्महत्या करने अपेक्षा कर आसिकी मात्र लोभी लोक मैंने सहजरे प्राण छाड़बन जोड़ा निर्लोभी लोक जाऊे बुलू करुवे ठोकिन प्राण पल जोड़ाक लोभी लोक पड़ी 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 पोकड़ा होकर मरवे पे कहते मल्लानी जे आमको मारिदे समस्ते कहते ये मरु ना आमको भगवान नहीं जातु लोभी लोक मानक यही घटना तेणु ते सहजे लोभी प्राण छाड़ब केमिका बटवृक्ष मूल बस गंगा नदी की डेई पड़े बस कांदुची प्राणहत्या करने भगवान पुनर्बार जो साधु रूप धरी सका दर्शन देते सन्ध्या बेलू से साधु रूप धरी पाखे पहुँचले कहले बापा राम राम गोड़ू मुंड पर्यन चाहला कला यही साधु को देखी थी सका मत के राम राम कहते तुंड बाहर ना एवं राम राम कह मर बेलू राम नाम टिके ने पूरा या बोल हाथ जोड़ी कहले राम राम महाराज ना कहीं सका तो कह न सका न कहबारे माड़ खाइल जदि मो स्तुंड तुम्हें सामिल कर राम नाम कही था तो माड़ खाई न था बर्तमान मु तुमको सेवा साय्य करना कौन साय्य करे ना मो साथी तुम आस तुम घरे नहीं कि छाड़देवि ना ना आज्ञा मो घरे किए गोटे जा बापा स्वामी होकर बस मो पाने बाड़े विदाय कले गांवाला बाड़े राजा बाड़े आउ घर को गले आउ छाड़बेन बाड़े मारिदेवे मोर दरकार ना मो प्राणटा था। भगवान कहले नाई नाई तुम चिंता करनी मुमिया जाणी मो साथी गले तुम सब दुख दूर होस लोभ तो अच्छी के जानी साधु महाराज मैंने तो किमिया जानती मन मन विचार कला यहाँ गले काले संपत्ति मिल जाओ पर आउतरे प्रकृत सत को सत साधु पछे पछे चलला पचारा बाटे कहला महाराज मत जी किए बाड़ा ना मुझ पिठी देखेबी। भगवान कहले टी आश्वस्त आसला ये जी पिठी देखेबे के जानी उद्धार होरा भगवान आगे आगे चलिए साधु बेसरे घर पहाच चढ़ुंट बुढ़ा पछे पछे जाहाच चढ़ुची भगवान सीना थी बोली बुढ़ा माड़ खाऊला भगवान तो बर्तमान साधु रूप से पलि आसरे तो प्रकृत बुढ़ा ना जोबले ए बुढ़ा जा पहुँचला धर्मपत्नी पचारूंट कौन साधु महाराज को तुम भल पाओनी घृणा कर आज कौन जाने बाबाई धरिकी आस बुढ़ा मन मन विचार करुच्ची मत छाँचुणी मुठे सका बाड़ेला एवं तो कौन केड़े सुंदर कथा कहूँ भगवान साधु महाराज रूप से नहींक गले ठाकुर घर भितर प्रवेश करगले एवं बुढ़ा मध्य ठाकुर घर भितर प्रवेश कला सका से गामछा खंडक पिंधि से ढाल खंडक हाथ में धरी साधुंर पाद ते पड़गला हे महात्मा तुम्हें किए से मोर संपत्ति मोर घर द्वार मत सब फेरदल तुम्हें किए से स्वयं भगवान तागर टे दिव्य रूप दर्शन कर शंखचक्र गदापद धारण कर देखेदे कर्णे मकर कुंडल विराजे गंडमंडल मस्तक मणिमय मुकुट सोहे चतुर्भुज नारायण रूप से प्रभु प्रतिभात हो गले तार ठाकुर घर भितर बुढ़ा पाद ते पड़गला महाप्रभु आपण ना हाँ बर्तमान संपत्ति कहार ना प्रभु आपणकर ए पर्यंत कार थिला ना मोर थिला तुम्हें निजर बोली कहबारू बर्तमान एतक माड़ खाइल जदि मोर बोली कह तुम आउ दंड पाइब ना बुढ़ा हाथ टेकिकी कहला महाप्रभु ए घर तुमर महाप्रभु ए संपत्ति तुमर महाप्रभु ए पिलाकुटुंब तुमर मु तुमर दासानुदास मु मोर कहूली बोली एतक माड़ खाइली सीना आज तुमर बोली कहली आपण मत जो अनुसार कहे से अनुसार खर्च करी से अनुसार व्यय करी होम ब्राह्मण भोजन दान
ଅରକ୍ଷିତ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ, ନିରକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବୋଲି ଭଗବାନ କହିଲେ। ଈଶାବାସ୍ୟମିଦଂ ସର୍ବ ଯତ୍କିଞ୍ଚ ଜଗତ୍ୟାଂ ଜଗତ୍ ତେନ ତେକ୍ତେନ ଭୁଞ୍ଜିଥା ମାଁ ଗୁରୁଧ କଶ୍ୟସି ଧନଂ। ଏ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମୋର, ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର, ଏ ଟଙ୍କା ପଇସା ମୋର, ଏ ଘର ମୋର, ଏ କଥା ଯଦି ବିଚାର କରିବୁ ତାହେଲେ ତୋ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୋର ବୋଲି ବିଚାର କରିବୁ ଏମିତି କେତେ ଦିନ କେତେ ଥର ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ତାର ସୀମା ନାହିଁ। ଆଜିର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା, ଏ ସମସ୍ତ ଜଗତ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ଏ ଭାରତବର୍ଷ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରୁଛେ ସିଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ଆମେ ଯେଉଁ ଘରେ ବାସ କରୁଛେ ସେ ଘରଟା କାହାର, ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ କହିବ ମୋର। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ବୋଲି କହିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ଏବଂ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଯାହାର ଆସ ନିରତେ ପାଏ ଦୁଃଖ ପ୍ରାସ। ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଷଣ୍ଢ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରୁନି, ଏତେ ମୋଟା ବଧ ପଡ଼ିକିରି ରହିଛି। ହାତୀ ବରଡାଳ ଖାଇକିରି ହଜାରେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଛି, ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛର ପତ୍ର ଖାଇକି 500 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବମୟ, ତାଙ୍କରି ଆଶ୍ରୟରେ ରହିଲେ ଏ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। ବୋଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ।